गाइस, वी विल टॉक अबाउट द ब्रेक इन पीरियड। वैसे तो हमने अपाचे पे एक वीडियो बनाया था डेडिकेटेडली फॉर द ब्रेक इन पीरियड, क्या क्या हमने इसमें फॉलो किए टिप्स, बट इस बार जो मैंने इस बाइक से रिलेटेड किया मैं आपको वो स्पेसिफिकली बताऊंगा। वो पॉइंट्स हम रिपीट नहीं करेंगे, हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो नए हैं और जो मैनुअल में लिखे गए हैं और जो इस बाइक से रिलेटेड हैं। बट ऑब्वियसली वो पॉइंट्स आप किसी भी व्हीकल में आप यू नो इम्प्लीमेंट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। Yeah, so I've just clocked around 800 kilometers on this bike, or I think this is the sweet spot, or we could say the right time. यार मुझे ना यार इस सीट का ना कवर का कुछ जुगाड़ करना है। अगर आप लोग वी फ्रॉम ओनर्स हो और आपके पास सीट का कुछ सेटिंग है, कुछ कवर आपको मिला है, आपने कुछ मेरा दिमाग दौड़ाया है और सीट को सिक्योर और सेफ किया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे हेल्प करो यार, कि मैं भी कुछ सोच रहा हूँ कि सीट पे लगाऊँ यार। एनी हाउ, सो 800 किलोमीटर कवर किया है एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं आप लोगों को या आप लोगों के साथ शेयर करूँ ब्रेक इन पीरियड टिप्स। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉन्ट्रेडिक्टरी टॉपिक है, कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बट आई थिंक मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। मैंने अपाचे पे फॉलो किया था और मैं इस पर फॉलो कर रहा हूँ। इवन दो अगर आप मैनुअल पढ़ोगे, मैनुअल में कुछ गलत तो होगा नहीं, सुजुकी की बाइक है, उनका मैनुअल है, इट हैज़ टू बी फॉलोड, इट हैज़ टू बी ओबेड। तो सुजुकी की मैनुअल में क्लियरली लिखा हुआ है कि इसका ब्रेक इन पीरियड एग्जिस्ट करता है। तो ब्रेक इन पीरियड होता ही है कि आपका जब गाड़ी नया होता है, गाड़ी का इंजन नया होता है, तो ऑब्वियसली उसमें जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली लोकेटेड होते हैं, उनमें उतना स्पेस नहीं होता। तो ऑब्वियसली जब आपकी गाड़ी चलेगी, गाड़ी रेगुलर चलाओ या टूरिंग पे ले जाओ या किसी भी तरीके का उस पर लोड दो, तो देयर विल बी अ फ्रिक्शन, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ वियर एंड टेयर इन द मैकेनिकल पार्ट, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ एक्चुअली में स्पेस्ड है। तो आपका जो इंजन है इट्स अ ब्रांड न्यू, उसमें अभी तक किसी भी तरीके का लोडिंग नहीं हुआ। तो सुजुकी ने क्लियरली मैनुअल में ये चीज लिखी हुई है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बाइक, व्हेन यू आर राइडिंग योर बाइक फॉर द फर्स्ट 1000 miles, और यू कैन से 1600 kilometers, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। और वो रूल से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको फॉलो करने हैं, दैट इज फॉर इंजन बेटर हेल्थ एंड इट्स लॉन्गजेविटी। सो मान के चलो अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करोगे, जो ब्रेक इन पीरियड का आपका टाइम होता है बाइक का जब आपकी बाइक नहीं होती है, तो इससे एक तो आपकी गाड़ी का इंजन है उसका हेल्थ बेटर रहेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी बेटर हो जाएगी, आपको गाड़ी माइलेज बेटर देगी, आपकी गाड़ी के टायर्स अच्छे परफॉर्म करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर है, और उससे आपकी ओवरऑल बाइक की जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी। Yeah, so let's start with the point number one. Clearly, Suzuki के manual में लिखा हुआ है कि you have to follow a break-in period for the first 1000 miles. That is your 1600 kilometers. जिसमें सारे V-Strom owners को एक RPM follow करना है, which would be for the first 800 kilometers. जब आपकी गाड़ी नहीं है और आप जब starting from zero to आप 800 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते, जो मैंने अभी 811 चला लिया है, तो आपको एक RPM maintain करना है, और वो जो RPM है वो आपका 5000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फॉर example मैं अभी थर्ड गियर पे हूँ और मैं अराउंड 4000 RPM पे गाड़ी चला रहा हूँ। तो इन शॉर्ट ये है कि आपको फर्स्ट 800 किलोमीटर्स में कोई भी गियर पे 5000 RPM क्रॉस नहीं करना है। बट अगर मैं आपके लिए ईजी कर दूँ तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। Now if we suppose after fourth gear, जब मुझे fifth gear पे जाना होगा, तो जैसे ही मेरा speed around 60 किलोमीटर पे आएगा, I will try to switch to fifth gear. तो मैं 60 के ऊपर तक fourth gear पे नहीं चलाने वाला, या फिर आप कह सकते हो कि मैंने ऐसे ही last पूरा का पूरा जो 800 किलोमीटर चलाया है, मैंने ये चीज़ दिमाग में रखी है कि the moment I am exceeding over 60 kilometers per hour, I am switching into the fifth gear. And when I reach 70, I just switch it to sixth gear. Yeah, I think that's very easy to understand कि आपको first स्पेशली 800 किलोमीटर्स में आपको RPM मेंटेन करना है, बट दैट इज अप टू 800 किलोमीटर। अगर आप 800 किलोमीटर क्रॉस करते हो अप टू 1600 किलोमीटर्स तक, आप 5000 RPM क्रॉस कर सकते हो आराम से, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 7000 RPM तक जा सकते हो। तो अगर मैं 7000 RPM की बात करूँ, लेट मी ट्राई, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट गियर इट्स अराउंड 30, इट्स अराउंड 50,
it's around 66. So previously we have seen ki 800 km tak apne speed kitna maintain kiya on each and every gears. Now up to 1600 km jo next 800 km hai aapke, usme aapko 7000 rpm tak maintain थ्रेशोल्ड वैल्यू रखनी है. फर्स्ट गियर पे है तो कितना, सेकंड गियर पे है तो 7000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो इस तरीके से आपको देखना है. या नाउ व्हाट आफ्टर 1600 किलोमीटर्स, 800 तक आपने 5000 रखा, 1600 तक आपको 7000 आरपीएम रखना है. बट आफ्टर क्रॉसिंग 1600 किलोमीटर आप 7000 आरपीएम को क्रॉस कर सकते हो, बट जस्ट कीप इट बिलो रेड जोन. रेड जोन है आपका 10000, 11000 एंड 12000. आप जाना तो आप जा सकते हो, लोग तो देखो यार टॉप स्पीड चेक करते हैं, गाड़ी नहीं होती है और ड्रैग रेसेस करते हैं. ठीक है, हम मिडिल क्लास वो सब ना ही करना पसंद करेंगे और ना ही अपने बाइक के साथ करना चाहेंगे. सो जब आपकी गाड़ी 1600 क्रॉस कर देती है, आप 7000 के ऊपर आराम से क्रॉस कर सकते हो, बट मेक श्योर आप रेड जोन से नीचे रहो. या सो टॉकिंग अबाउट द पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको ऑब्वियसली करके नहीं दिखा सकता, बाइक आपका नया है, फॉर द फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 800 किलोमीटर्स, ज्यादा एक्सीलरेशन और ज्यादा डी एक्सेलरेशन नहीं करना है. विद डी एक्सेलरेशन आई मेंट कि आप गाड़ी अच्छा खासा आरपीएम मेंटेन किया है, सडनली आप डी एक्सेलरेट कर रहे हो और आपका रियर व्हील लॉक हो जा रहा है, या फिर आप फ्रंट ब्रेक्स बहुत टाइटली मार रहे हो, तो कुछ भी आपको ज्यादा एक्सेसिव नहीं करना है, नाइदर योर एक्सेलरेशन नाइदर डी एक्सेलरेशन. सो आपका जो होता है ना वो ज्यादा एक्सेलरेशन आपको अवॉइड करना है, वो नहीं करना है. नाउ नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है इंजन आइडलिंग. ऑन करके जस्ट एग्जॉस्ट सुनने के लिए आपने ऑन छोड़ दिया है और वो 2-3-5 मिनट तक आपने ऑन छोड़ा है, तो एक्सेसिव इंजन आइडलिंग नहीं करनी है. जैसे कि है कि अगर आपने ये आपका आइडलिंग आपने इंजन ऑन किया, इसको ज़्यादा देर छोड़ नहीं देना है. आपका गाड़ी जब नया है, फर्स्ट 1000 किलोमीटर से कवर नहीं हुआ है, मेक श्योर आप तभी स्टार्ट करो जब आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है. हो गया, दैट्स इट. ऑल राइट, सो जितना हो पाया उतना हमने कर दिया. आई एम लुकिंग परफेक्टली नाइस. या दैट्स फाइन. तो जस्ट एक फिल्म टॉल्क है जो मैंने ऑनलाइन अमेजोन से लिया था. तो आप रस्ते में से भी, लास्ट टाइम मैंने अपाचे पे लगाया था, मैंने रस्ते में से लड़कों जो बैठते हैं ना वो लेके क्या बोलते हैं स्क्रीन गार्ड, वहीं से लगवाया था. बट इस बार मैं बहुत आलसी था, चोट लगी हुई थी, तो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था. कहीं भी यूज़ कर सकते हो, फ़ोन में यूज़ कर सकते हो और ऐसी जगह भी यूज़ कर सकते हो, इट्स फाइन. मैं तो इतना मैं 2-3 महीने बाद जाके लगा रहा हूँ, बट स्टिल कोई स्क्रैचेस तो नहीं है. एंड एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपकी ये चाबी इसके अंदर है और फिर आपने सीट बंद कर दी, फिर भागो वर्कशॉप, फिर नहीं मिलने वाली चाबी. ठीक है, चलते हैं अभी और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में. कूल, हाथ देखो ना कैसे हो जाता है मेरा यार ये ग्लव्स पहनने के बाद, स्कार रह गया है चोट के बाद. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट आई गेस द पॉइंट नंबर 5 इज योर ब्रेकिंग. सो इट्स वेरी सिंपल, समझ गए होंगे आप लोग. सो एदर आई एम यूजिंग फ्रंट ब्रेक्स और आई एम यूजिंग द रियर ब्रेक्स, यू हैव टू बी वेरी जेंटल. आपको सडन ब्रेक्स नहीं मारना है, तो यू हैव टू यूज योर ब्रेक्स वेरी जेंटली, नो सडन ब्रेक्स. सो दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट 800 किलोमीटर्स बी जेंटल विद बोथ द ब्रेक्स. लेट्स टेक यू टर्न. नाउ विद दिस टर्न लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, the point number 6, that is your